प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे पहल कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1। आइए शुरू करते हैं OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1। सवाल नंबर 1, इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 40, 10, 35, 28। इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10। इस डिब्बे में हम सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 36, 96, 39, 93। इन चारों में सबसे बड़ी संख्या है 96। इस डिब्बे में हम सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 3, दिए गए बंडल में 10 लकड़ियां हैं, इनमें से किस चित्र में 32 लकड़ियां हैं? ऐसा एक बंडल है उसमें 10 लकड़ियां हैं, हमें 32 जो लकड़ियां हैं उस वाले चित्र में हमें सही का निशान लगाना है। 10, 10, 20 और 2 22, 10 और 10 20 और 3 23, 10 और 3 13, 10, 20, 30 और 2 32। इस वाले डिब्बे में 32 है, यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 4, सबसे पतली रस्सी को चुने। इन चारों रस्सियों में सबसे पतली रस्सी कौन सी है? देखिए ये वाली, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 36 में अंक 3 का स्थानीयमान होगा, इकाई दाई 3 दाही पर है, तो इसका स्थानीयमान कितना होगा? 10, 3, 9 और 30। 3 दाही पर है, स्थानीयमान होगा 30, यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 6, दी गई संख्या में कौन सी संख्या जोड़ें कि योग 10 हो जाए? 6 प्लस 6 में हम क्या जोड़ें कि 10 आ जाए? 4, 3, 5 या 16। तो 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ हम 4 पे सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 7, हल करें और सही उत्तर चुनें। हमें इसको हल करना है और सही उत्तर चुनना है। 94 बराबर खाली स्थान प्लस 4, 9, 90, 98, 19। अब यहाँ 4 में हम कितना और जोड़ें कि 94 हो जाए? तो यहाँ आएगा 90। 94 बराबर 90 प्लस 4, तो 90 वाले पर सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 8, रामू ने रुपये 76 के फल तथा रुपये 8 का पेन खरीदा, उसने कुल कितने रुपये खर्च किए? ये रुपये का चिन्ह है। 76 रुपये के फल खरीदे, 8 रुपये का पेन खरीदा, कुल कितने रुपये खर्च किए? 94, 84, 86 या 96। तब हम दोनों को जोड़ कर लेंगे तो कितना आएगा? 76 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84, यहाँ 84 पर सही का निशान लगाएंगे। अगला सवाल नंबर 9, हल करें और सही उत्तर चुनें। हमें ये हल करना है और सही उत्तर चुनना है। 37, 43, 47, 105, 71 माइनस 34 कितना आएगा? तो घटाव करेंगे, एक में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 7, 6 में से 3 घटाएंगे 3, कितना आया? 37, सही उत्तर होगा यहाँ 37, सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 10, हल करें और सही उत्तर चुने। 76 माइनस 22 बराबर खाली स्थान 54, 94, 58, 98। 76 में से 22 घटाएंगे, कितना आएगा? 6 में से 2 घटाएंगे 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, कितना आया? 54। तो 54 पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला सवाल नंबर 11, कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं, उनमें से 25 बालिकाएं हैं, तो बालकों की संख्या
क्या होगी? 61, 11, 10, 9। 36 में से 25 घटा लेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, कितना आया? 11। तो 11 बालक हैं। सवाल नंबर 12, निम्न में से शून्य कोने व शून्य भुजाओं वाली आकृति कौन सी है? वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग। तो शून्य कोने और शून्य भुजाओं वाली आकृति है वृत्त। यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे, जिसमें ना तो कोई कोना है ना कोई भुजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, तराजू में दिखाया गया कौन सा फल भारी है? आम, सेब दोनों बराबर हैं, हम कह नहीं सकते। तो देखिए, इधर आम रखा हुआ है, इधर सेब रखा हुआ है, तो जो भारी होगा वह पलड़ा नीचे होगा। तो नीचे कौन सा पलड़ा है? ये वाला, सेब वाला। तो इसमें कौन सा फल भारी है? सेब। यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 14, इनमें से किसमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखा गया है? संख्याओं को बढ़ते क्रम में कौन से वाले में रखा गया है? देखेंगे, 19, 46, 58, 85, 19, 46, 58, 85, 85, 58, 62, 85, 62, 58, 46, 19, 85, 58, 56, 19। तो यहाँ बढ़ता हुआ क्रम 19, 46, 58, 62, 85 ये वाला है, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 15, नीचे कुल कितने रुपये दिखाए गए हैं? ये जो रुपये हैं वे कुल कितने रुपये हैं? 33 रुपये, 68 रुपये, 72 रुपये या 73 रुपये। इन रुपयों को हम जोड़ लेंगे। ये 50 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 5 का नोट है, ये 2 रुपये का सिक्का है और ये 1 रुपये का सिक्का है। देखिए, 50 में 10 जोड़ो 60, 60 में 5 जोड़ो 65, 65 में 2 जोड़ो 67, 67 में 1 जोड़ो 68। तो कितने रुपए हो गए? ये 68 रुपए। 68 कहाँ लिखा हुआ? ये रहा 68 रुपए। इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 को समझा और इसे हल किया। तो विद्यार्थियों, आप भी इसे समझ करके हल कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज़्यादा समझ के अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।